नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी लड़की और लड़के एक रिश्ते में बनने जा रहे होते हैं यानी कि शादी हो रही होती है तो उस समय बहुत सारी रस्में होती हैं और रस्मों में बहुत सारे रीति रिवाजों को बहुत महत्व दिया जाता है। हिंदू धर्म में देखा जाए तो रीति रिवाज का बहुत ज्यादा अनोखा महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में हर रीति रिवाज का अपना एक महत्व होता है और उसी के अंदर एक महत्व होता है सिंदूर का। अक्सर देखा जाता है कि जब भी लड़का लड़की की मांग में सिंदूर भरता है तो वह अपने साथ उसकी जिंदगी जोड़ लेता है। लेकिन सिंदूर का महत्व होता क्या है, जानिए इस वीडियो के दौरान। सिंदूर में एक पारा पाया जाता है जो यदि अगर आप अपनी मांग में सजाते हैं तो वह आपके जीवन को अच्छा बनाता है। साथ के साथ जो स्त्री अपनी पूरी मांग भरती है वह स्त्री अपने से जीवन में दरिद्रता को दूर करती है। यदि कोई पति सिंदूर भरता है तो जब हम अक्सर देखते हैं कि लड़का जब भी लड़की की मांग भरता है तो या तो अंगूठी से या फिर सिक्के से भरता है, यानी कि चांदी या सोने के सिक्के से भरता है। जब भी इन चीजों से वह मांग भरता है तो एक बार में जितना सिंदूर आता है वह सिंदूर पूरी मांग में कहाँ तक आता है उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ तय होती है, यानी कि जितनी लंबी उस सिंदूर से मांग भरी जाती है माना जाता है कि उतनी ही लंबी उनकी शादी की मेरिट लाइफ होती है। रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ हो, दोनों ही लाइफ में सिंदूर का बहुत अलग महत्व माना जाता है। रियल लाइफ में तो हम अक्सर देखते हैं टीवी सीरियलों में हमें हर कोई मांग भरते हुए नजर आता है, लेकिन हर रीति रिवाज को बताते हैं। ऐसे ही हमारी रियल लाइफ में होता है कि हर रीति रिवाज के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में हर कार्य होते रहते हैं और जब लड़की सिंदूर भरती है अपनी मांग में तो अपने जीवन साथी को और भी ज्यादा रौनक भरा बनाती है, खुशहाली भरा बनाती है और यह भी बताती है कि वह अब किसी के साथ बंध चुकी है। साथ के साथ उस सिंदूर का यह भी मतलब होता है कि अपने जीवन में जितनी खुशियां होंगी वह दोनों एक साथ मिलकर सहेंगे और दुख होंगे उतने भी एक साथ मिलकर ही दूर करेंगे। यदि अपने जीवन में और भी ज्यादा चीजों का महत्व माना जाता है तो सबसे ज्यादा शादी में सिंदूर का ही महत्व होता है। वैसे हर चीज का अपना अपना महत्व होता है लेकिन उसमें सबसे ज्यादा सिंदूर का महत्व माना जाता है। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।